हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मेरे घर में एक्चुअली कुछ काम होगा, घर में कुछ रेनोवेशन का काम होगा। तो आज अभी सुबह सुबह 8:30 बजे आ गया, सब मिस्त्री लोग भी आ गए हैं। तो ये मैं आई हूँ जो बगल में एक और फ्लैट है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग रहते वो लोग यहाँ पे अभी कोलकाता में नहीं रहते, वो लोग बाहर रहते, तो इसलिए ये लोग के मतलब घर का कीज़ में हम लोग के पास ही रहता है। तो हम लोग का जो भी घर का सामान है, क्योंकि घर में पेंटिंग का काम होगा, फिर कुछ कुछ जगह पे रिपेयरिंग होगा, सीलिंग पे, वॉल पे, ये सब जगह पे, फिर विंडोज़ चेंज होगा, मतलब जो भी वुडन वाला विंडो है उसको चेंज करके ग्लास विंडो करना है, तो ये सब चेंजेस होगा। तो बहुत सारा सामान जो बाहर में जो सब सामान रहता है, तो वो सारा सामान ट्रांसफ़र करना पड़ेगा यहाँ पे। और हम लोग का एक्चुअली एक बड़ा सा बेडरूम है, और एक तो छोटा वाला रूम है, और एक किचन है, तो किचन कम डाइनिंग है। तो इसलिए बेडरूम में तो बहुत सारा सामान है, और छोटा वाला रूम में भी एक फोल्डिंग हम लोग बेड रखे हैं, ताकि उसको ज़रूरत पड़ने पे उठा भी सकते हैं। इसलिए तो उस बेड को लाके अभी इस रूम में रख दूँगी, क्योंकि पापा का तबीयत ख़राब है, इसलिए पापा को उतना धूल मिट्टी में नहीं रखना है। तो इसीलिए पापा को इस रूम में अभी वो वाला बेड लगा के दिन में रख देंगे, फिर शाम में उन लोग का काम हो जाने के बाद, जब वो लोग थोड़ा सा हल्का सा क्लीन करके चल जाएंगे, उसके बाद रात में घर में ही सबको रहेंगे। तो अभी 5 दिन का काम होगा ये घर पे, मतलब पेंटिंग वेंटिंग सब कुछ मिला के। और आज सुबह सुबह बहुत धूप आ गया है, तो ठीक है, अभी मैं जल्दी से जो जो सामान मुझे थोड़ा सा पैकेट वैकेट करके इस रूम में लाना पड़ेगा, जो जो बाहर में जो सब सामान है, तो वो सब अभी मैं पहले पैक कर लेती हूँ, और फिर इस रूम में आके सामान रख दूँगी, और फिर क्या क्या काम हो रहा है ये भी आप लोगों को दिखाऊँगी। और मिस्त्री लोग तो वैसे अच्छा, एक कबर्ड भी बनेगा किचन में, तो थोड़ा सा मॉड्यूलर किचन का लुक मैं देना चाह रही हूँ, तो इसीलिए तो ठीक है, वही सब अभी बनेगा। तो अभी जल्दी से मैं जाती हूँ, थोड़ा देर में फिर मिलते हैं, मैं पहले अपना काम निपटा लेती हूँ। तो ये है छोटा वाला रूम, और यहाँ पे पूरा साफ़ कर दिए है, मतलब सब कुछ हटा दिए है सामान, और ये अभी बेडरूम पे काम चल रहा है। ये लोग तो पुट्टी ये सब लाए है, तो उसी से काम चल रहा है। एसी को भी कवर कर दिए है पेपर से, ताकि इसमें धूल ना लगे और कलर भी ना लगे। बीच में सब कुछ अरेंज कर दिए है ये बेडरूम में। मैं सब कुछ पैकिंग कर ली हूँ, और इतना धूल वहाँ पे मतलब होगा, अभी पूरा काम होगा, तो सीमेंट वीमेंट भी थोड़ा सा लाए हैं, पुट्टी ये सब होगा, तो इससे बहुत धूल उड़ेगा। तो अभी तो मैं मास्क भी पहन लूँगी, क्योंकि नहीं तो फिर मुझे डस्ट एलर्जी है, सर्दी लग जाएगा इसलिए। तो ठीक है, अभी मैं सारा सामान रख दी हूँ, चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ बैक कैमरा से कि उस रूम में अभी कैसा, इस रूम का मैंने बगल वाला रूम का क्या हालत है, और हम लोग का रूम का भी ये लोग अरेंज कर दिए हैं, सब बेड वेड सब कुछ इधर उधर कर दिए हैं। तो दिखाती हूँ कैसा हालत है अभी पूरा, एकदम मतलब रहने लायक तो अभी एकदम भी नहीं है। अभी पहले किचन में काम चल रहा है, तो ये यहाँ पे सीलिंग पे पुट्टी कर रहे हैं, और यहाँ पे भी सब कुछ ढक दिए है, एक छोटा सा बेड जैसा है उसको भी ढक दिए है, और बाकी सब जगह पे पहले पुट्टी होगा। और ये है बगल वाला रूम, तो यहाँ पे सारा सामान हम लोग ट्रांसफ़र कर दिए है। पुट्टी लगाने के बाद ये प्राइमर कर दिए है, तो एक कोट प्राइमर अभी किचन में हो गया है, और बेडरूम पर भी आज हो जाएगा। अभी काम एकदम पूरा चल रहा है, और आज जैसे आज तो बहुत सारा काम होगा, अभी ये बॉक्स बन रहा है, और आज पहले बाहर वाला रूम का ये लोग पुट्टी करने के लिए वहाँ पे करेंगे, और बेडरूम में भी थोड़ा थोड़ा रिपेयरिंग का काम जो जो है वो सब भी करेंगे। तो ठीक है, मैं आज डे एंड पे और फिर व्लॉग नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब हालत ख़राब रहेगा रूम का। किसी तरह ये लोग बोले हैं कि बेड को थोड़ा साइड करके दीवार पे फिर से थोड़ा सा साइड करके देंगे, ताकि हम लोग रात में सो सकें, और फिर सुबह आके फिर से वो सब फिर बीच में अरेंज कर देगा, ताकि वॉल्स पूरा खाली हो जाए और वो लोग काम कर पाए। इसलिए कैसा कैसा बन रहा है वो भी थोड़ा थोड़ा करके दिखाऊंगी, 5 दिन का एक ही साथ में एक ही व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि फिर उसके बाद जब पूरा बन जाएगा उसका भी मैं एक रूम टूर करवा दूंगी। तो ठीक है, अभी आज का डे एंड के बाद कैसा रहता है ये भी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये बेडरूम में रोड साइड वाला विंडो है, इस विंडो को भी न्यू बनवाए है अभी, क्योंकि यहाँ पे एक वुडन वाला था, तो इसको भी ग्लास विंडो कर दिए है, तो इसलिए यहाँ पे भी पुट्टी कर रहे हैं। ये पुट्टी यहाँ पे किया हुआ है इस बाल्टी में, तो उसी को अभी लगा रहे हैं वॉल्स पे। और इसके बाद इस रूम पे आज और प्राइमर नहीं होगा, बस वही जान लटाओ तो होबे, वही जान लटाओ ही होबे, तो ए जान लटा एटा एटा ओ होय बेसी आ घरे टुकटाक भिड़ावे ओपड़े। आज सेकेंड डे है काम का, और अभी मैं जा रही हूँ फ्लोर टाइल्स लाने के लिए, क्योंकि बाहर वाला रूम में फ्लोर टाइल्स लगाना है, तो ये मैं गाड़ी में लोड करवा ले रही हूँ फ्लोर टाइल्स, और इसको लेके अभी घर जाना है।
तो ये मैं घर आ गई हूँ और यहाँ पे देख रही हूँ कि अभी बेडरूम में पेंटिंग का काम ऑलरेडी चालू हो गया है। तो यहाँ पे ये लोग एक कोट प्राइमर भी कर दिए थे और अभी पेंट कर रहे हैं और इसके बाद शायद किचन में भी करेंगे। और बाहर वाले रूम में जहाँ पे फ्लोर टाइल्स लगेगा, तो यहाँ पे देखिए फ्लोर पे ये चिपिंग कर दिए है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का गड्ढा कर दिया है, तो इसके ऊपर अभी केमिकल और सीमेंट से वो फ्लोर टाइल्स लगाएंगे। तो आज लास्ट डे है काम का और देखिए किचन में भी पेंट हो गया है, यहाँ पे सब सामान अभी बिखरा पड़ा हुआ है, सब सामान भी यहाँ पे अरेंज कर दिए है, बट कंप्लीट होने के बाद फिर रीअरेंज करना पड़ेगा। जो भी रेनोवेशन का काम चल रहा था वो सब ख़त्म हुआ है, कल ही ख़त्म हुआ है पूरा, और अभी थोड़ा सा साफ जितना हो पाया है किए हैं, लेकिन अभी भी साफ़ होने में तो पूरा एकदम फ्लोर फ्लोर और भी साफ होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ठीक है, मैं अभी आप लोगों को एक रूम का टूर करवा देती हूँ और दिखाती हूँ कि कैसा क्या बना है। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को न्यू लुक अभी घर का कैसा लग रहा है, और पेंट भी जो भी मैं कलर की हूँ वो कलर भी कैसा लग रहा है, और आप लोग भी कुछ सजेशन देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो। और एक दो छोटा मोटा काम अभी बाकी है तो वो ठीक है, वो हो जाएगा एक दो दिन में। तो चलिए अभी मैं दिखाती हूँ। तो गाइस ये है बाहर में, ये जो ग्रिल है इसका मैं पिंक कलर चूज़ की, पर्सनली पिंक कलर बहुत अच्छा लगता है तो इसलिए मैं पिंक कलर चूज़ की थी। गेट और सब ग्रिल्स के लिए ये ऑयल पेंट था है पिंक कलर का, और अभी तो आई थिंक दिख ही रहा है। हाँ, तो ये है ग्रीन कलर बाहर वाला रूम में, ये छोटा वाला रूम के लिए, ये बाहर वाला एरिया में मैं फ्लोर में मार्बल लगवाई हूँ, यहाँ मिल्कू भी आ गई तो ठीक है, बट अंदर में तो हम लोग को मोज़ाइक है बेडरूम में और किचन में, और यहाँ पे बस मैं मार्बल करवाई हूँ। तो बेडरूम और इस रूम के बीच में ये वाला विंडो वुडन था तो इसको अभी ग्लास विंडो बना दिए है ऐसे, तो ऐसे ऐसा वाला, तो इसका लॉक है उस साइड से। और देखिए ये बेडरूम, यहाँ से बेडरूम का थोड़ा दिखा देती हूँ, ये है बेडरूम का व्यू, देखिए पापा तो बैठे हैं अभी, और ये है बेडरूम। तो बेडरूम में मैं ये मॉव कलर करवाई हूँ, रूम में बाकी सब जो जैसा था वैसा ही है, बस ये दोनों विंडोज चेंज हो गए, तो ये विंडो चेंज हो गया है रोड साइड वाला भी और ये बीच वाला भी। तो ये हो गया ये वाला रूम, और यहाँ पे ये जो टेबल है इस टेबल में कुछ सामान है, बट यहाँ पे ये टेबल एक्चुअली ट्रांसफ़र कर देना है मुझे इधर, क्योंकि इसको हटा देना है, ये बहुत ही पुराना हो गया है तो इसको हटा देना है, यहाँ पे वो सेंटर टेबल कर देना है। और ये तो मंदिर है छोटा सा, ऑलरेडी वो चीज़ यहाँ पे मुझे थोड़ा रैक लगाना है, तो ये मैं ऑलरेडी बोली हूँ ये अभी तक बना नहीं है, यहाँ पे रैक्स लगेगा तो ताकि ये सारा सामान मैं वहाँ पे रख सकती हूँ, जो भी कॉस्मेटिक्स का सामान है ये सब। और ये है किचन, तो किचन में ये पार्ट एक्स्ट्रा अभी मैं बनाई, तो ऐसे बॉक्स सिस्टम नहीं था तो ये वाला पूरा मैं बॉक्स सिस्टम करवाई, यहाँ पे बॉक्स तो था और इस साइड में भी ऐसा करवा ली हूँ। हाँ, इसका बॉर्डर अभी पेंट होना बाकी है तो ये होगा बाद में, और बीच में एक पार्टीशन में लगा दी थी किचन में ताकि एक और रूम बन जाए, बट अभी इस बार उस पार्टीशन को हटवा दी। और अभी यहाँ पे ये फ्रिज रखा हुआ है, बट फ्रिज इस साइड में है तो मुझे अभी मैं सोच रही हूँ कि फ्रिज को उस साइड में रख दूंगी, उस विंडो के साइड में इधर वॉल में जो जगह है यहाँ पे फ्रिज रख दूंगी ताकि ये वाला वॉल भी पूरा खाली हो जाएगा। गाइस तो मैं यहाँ पे रूम टूर भी करवा दी और कैसे क्या रेनोवेशन का काम हुआ ये भी दिखा दी, और आई होप आप लोग को ये व्लॉग देखने में अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर और कुछ आप लोगों को सजेशन हुआ तो। और ठीक है, आज का इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलते हैं आपसे फिर अगला व्लॉग में, और तब तक के लिए बाय।